अमिताभ बच्चन को शोले में आपने रोल दिलवाया था? मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन अब वो कह दीजिए आज तो। अब नहीं, अब अमिताभ खुद कहने लगे अमिताभ कि रोल मुझे धर्म जी ने दिलवाया था, तो मैं कहता हूँ हाँ रोल वो आते थे मेरे पास, वरना ये रोल शत्रु को जा रहा था। और शत्रु को पता लगा भाई पाजी जी मेरा रोल क्यों उधर दे दिया। मैंने कहा यार कुछ समझ नहीं आता क्या हो गया मुझे, वो पहले आया था मुझे मोहब्बत उससे प्यार, चलो बेचारे को उसको दे दो। तो इस तरह ये फिल्म थी एक मेरी अमर अकबर एंथनी, तो मैं उसके साथ चाचा भतीजा कर रहा था, धर्मवीर कर रहा था, डबल शिफ्ट कर रहा था, थका हारा 16 घंटे काम, कभी 20 घंटे भी करता था। तो मैंने कहा मनमोहन देसाई से कि यार ये तुम बना लो किसी के साथ, मैं नेक्स्ट तेरी करूँगा। उन्होंने उसको बोला नहीं, वो कुछ अंदर से यू नो यहाँ ईगोइस्ट बहुत हैं हमारी, और ईगो ऐसी कंटेजियस बीमारी है, एक को हो तो दूसरे को झट से होती है। के वो ईगो अच्छा यूँ हूँ तो उसने यूँ किया, तो मैंने कहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं की तो नहीं करूँगा। फिर मैं उसके साथ फिर एक दफ़ा यहाँ ये रास्ते बदल जाते बदल जाते हैं। मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी यूँ रखा है साहब। लेकिन अच्छी फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, अच्छी फिल्म थी तो भी कोई फर्क, अगर वो भी कर ली होती तो क्या होता। इतना कुछ सब कुछ पाकर भी हासिले ज़िंदगी कुछ भी नहीं। मैंने देखे एक से एक सिकंदर खाली हाथ जाते हुए, यहाँ तो ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, ये भी मिल गया, लोगों के दिलों में जो प्यार मिल गया इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। इसी पे जिंदा हूँ, ये पाने के लिए मैं आया था। लेकिन शोले में अमिताभ बच्चन को रोल दिलाकर अच्छा कि आप दोनों की जोड़ी बहुत पॉपुलर हुई, आज भी लोग गाना गाते हैं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो उसी गाने में हंसा, उसके बाद हंसा ही नहीं। उस गाने में उसने ये पूरा, उसके बाद कोई भी सीन नहीं जहाँ मेरे से हंस के बात की हो कहीं भी। मैंने कहा मैं स्टाइल है अपना अपना स्टाइल है, मैं तो मेरा खिलंदड़ा था, मैं खिलंदड़ा तो। लेकिन उस पूरी फिल्म में आप तो मजाक ही करते रहे, अपने हंसाते रहे लोगों को। देखिए जी बेस्ट रोल मुझे वीरू से अच्छा कोई रोल नहीं लगता था। अभी बीच में कई बात उड़ी कि मैं वो करना गब्बर का करना चाहता था, मैं ठाकुर का करना चाहता था। आप बताइए ऐसा प्यारा रोल वीरू को छोड़ के मैं क्यों करता, वो हाथ बंधे हुए हैं या कोई घटा ही आई है। हीरोइन के साथ आगे कोई हसीना जब रूठ जाती है तो क्या गाने वाने का मजा लो अपने जिंदगी का, ऐसा कलरफुल रोल। और वीरो का रोल तो शायद इसलिए किया था कि सामने हेमा मालिनी थी। नहीं इसलिए भी कई बातें होती हैं, अब बहुत सी बातें न बिन कहे भी समझी जाती हैं, कुछ बातें कहकर भी समझाई नहीं जाती।